वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द वहीकोहोलिक आदित्य दिस साइड अलंकृत। आज हम जा रहे हैं लद्दाख की पहली लेग की तरफ। तो आज का हमारा स्टे मोस्ट प्रोबेबली सोनमर्ग में होगा। अभी हम जम्मू से निकल रहे हैं, 8:30 हो रखे हैं अभी, और बाकी की स्टोरी आपको गाड़ी में चल के बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। June 28 है आज, मंडे का दिन है। अभी निकल पड़े हैं लद्दाख के लिए, और हमारा ये प्लान बना था सैटरडे को। उसके बाद हमने गाड़ी वगैरह प्रिपेयर की, सारा सामान प्रिपेयर किया। कोरोना के टेस्ट हमने कल करवाए हैं संडे को, और उनकी अभी रिपोर्ट्स आज दोपहर तक हमें हार्ड कॉपीज मिलेंगी। कल रात को हमें PDF मिल गई है, उनके भरोसे अभी निकले हैं। रिपोर्ट्स में भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बट उनको मैनेज करके अब फाइनली निकल गए हैं, जिसकी वजह से लेट हो गए। इनिशियली प्लान था सुबह 4 बजे निकलने का, ताकि 2 या 3 बजे तक सोनमर्ग पहुंच जाए और वहां पे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकें। पर अब डिले हो गया है, तो कोई बात नहीं है, हम सोनमर्ग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, और हम सब लोग ही ऑलमोस्ट उस जगह को देख चुके हैं एक्सेप्ट फॉर भव्या। तो उसको हम थोड़ा बहुत जितना भी कल सुबह दिखा सकेंगे उतना दिखा लेंगे। उधमपुर तक तो हाईवे बहुत अच्छा था, 4 लेन हाईवे था। अब हम वो क्रॉस करके 2 लेन हाईवे पे आ गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अभी हम पहाड़ों में तो आ गए हैं, मगर टेम्परेचर अभी भी 33 डिग्री है। टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल करेगा पत्नीटॉप के पास, जहां हमने जाना नहीं है, हमने नाशी टनल से निकल जाना है। बट उसके बाद एक बार बटोत क्रॉस कर लिया तो टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा, एटलीस्ट 4-5 डिग्रीज का फ़र्क हम वहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर थोड़ा और कम होगा। उधमपुर से चिनैनी तक का जो खराब पैच था उसको क्रॉस करके अब चिनैनी नाशी टनल की तरफ आ गए हैं। बट यहाँ आके अब टोल क्रॉस करने के बाद से ट्रैफिक जाम है, तो यहीं पे वेट कर रहे हैं। एक बार टनल को एंटर कर लो तो ये हमारे 2 से 2.5 घंटे बचा लेती है, क्योंकि हमें पत्नीटॉप बटोत वगैरह घूमना नहीं पड़ता इसकी वजह से। और इस टूर में मेरी ट्राई है कि आपको लद्दाख के लिए क्या बजट है, क्या एक्सपेंसेस हैं, उनका भी थोड़ा बहुत आइडिया देता चलूँगा। तो जब हम रिफ्यूल कराएंगे या जब हम होटल्स में पे करेंगे तो उस सब का मैं आपको आइडिया दे दूँगा। अगर बाइक्स पर आ रहे हो तो आपका टोल कहीं नहीं लगेगा। लद्दाख में परमिट फीस लग सकती है, वो हमने भी अभी देखना कि क्या हिसाब किताब है। बट गाड़ी पर आ रहे हो तो आपका टोल लगेगा, फास्टैग नहीं है तो डबल टोल भी लगेगा। टनल से निकल आए और टेम्परेचर 33 डिग्री से फॉल करके 29 डिग्री हो गया। ये जो यहाँ से रास्ता नीचे को जा रहा है, अब ये रास्ता है जो बटोत को जा रहा है, और वहीं से पत्नीटॉप होता हुआ कूद होता हुआ जम्मू की तरफ चला जाता है वापस। अभी तक घर से निकलकर हम चल चुके हैं 116 किलोमीटर्स, और 10:42 हो गए हुए हैं। उसका रीज़न पहले तो लेट निकले थे वगैरह, वो सब चीज़ें थी ही, बट उसके बाद जो एक बड़ा रीज़न अभी बना वो था कि 20 मिनट्स के आसपास हमें टनल से पहले वेट करना पड़ा ट्रैफिक में, शायद टनल को वन वे किया हुआ है इस वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली, इनके लिए अगर पहले से प्लान किया हो, टाइम में बफर रखा हो तो बेटर रहता है। आ गया मेरा रेगुलर स्टॉप कालिका वैष्णो ढाबा कीड़े वाला, यहाँ के राय में चावल खाएंगे अभी और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज मैंने पहले भी अपने पत्नीटॉप वाले व्लॉग में बताई हुई है। सो दिस ढाबा बेसिकली ओवरलुक्स बागलीहार डैम एंड हियर द माइटी चिनाब रिवर इज टेम्ड, यू कैन से इट परफेक्टली फ्रॉम दिस साइड। पीड़े के राजमा चावल खा के निकल गए थे। पीड़े में कोई 25 मिनट्स के आसपास का स्टॉप लिया था हमने, उसके बाद आगे चल रहे थे। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सिर्फ पॉट होल्स थे। अभी बीच में थोड़ा सा अच्छा पैच आया था रोड का, और अब फिर से रोड काफ़ी ख़राब है। पर इतनी ख़राब रोड पे 20-30 की स्पीड से ऊपर तो आप चल नहीं सकते, तो टाइम कवर होगा नहीं, और हम निकले भी लेट हैं, तो उस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं।
इसलिए हमने होटल की अभी तक कोई प्रायर बुकिंग करके रखी नहीं है। सो वी हैव प्लान टू गो विद द फ्लो एंड वी विल सी कि हम श्रीनगर पहुंचते हैं या उससे पहले ही कहीं रुकना पड़ जाता है या आज सोनमर्ग पहुंच जाते हैं। अगर तो सोनमर्ग पहुंच गए तो ईजी है, कल वहां से सीधा जोजिला करके लद्दाख पहुंच जाएंगे, लेह पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंच पाए वहां तक फिर श्रीनगर रुकना पड़ेगा और उससे एक और सुबह एक डेढ़ घंटा जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आयरन एंगल्स और शेड को यूज करके एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन दे दिया है शूटिंग स्टोन्स से। इस जगह में काफ़ी ज़्यादा शूटिंग स्टोन्स आते थे जिसकी वजह से गाड़ियों को भी डैमेज होता था और कई बार लाइव्स भी गई हैं लोगों की, कभी भी कैसे भी आ जाते थे ऊपर से पत्थर। अब इसके अंदर से एक टनल बन रही है जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, तब तक के लिए ये एक इसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। इस जगह को खूनी नाला बोला जाता है। बनिहाल पहुंच गए हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक अब मिलना शुरू हो गया और कई जगहों पे जाम भी है। अभी तक घर से निकलने के बाद से हम 177 किलोमीटर ही चले हैं, बट माइलेज ड्रॉप होके 14 किलोमीटर पर आर की हो गई है, जो घर से निकलते हुए शायद 21 या 22 की थी। 1:11 हो रहे हैं तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई हुई है क्योंकि रास्ता काफ़ी जगहों पर बहुत ख़राब है और जहाँ अच्छा है वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी है। अब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, जवाहर टनल आने वाली है। ड्राइवर सीट चेंज कर ली, ट्रैफिक आ गया था तो मैंने कहा यार इधर मेरे से नहीं चलाने होगी, अलंकृत तू चला, तो जब आगे फिर से खाली रोड आएगी तब मैं पकड़ लूँगा क्योंकि इसी बहाने मेरी रेस्ट भी हो जाएगी और क्या नहीं है ट्रैफिक में चला के, सीधी सी बात है। आगे जाके गाड़ी ले लेंगे, तब तक इधर ही रिलैक्स करेंगे और चलते हैं सीधे। ट्रैफिक अभी भी ज़्यादा ही है, बनिहाल पहुँचे हुए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं तब से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, बट अब बनिहाल से हमने टर्न लिया है एक नई टनल की तरफ जो यहाँ से शुरू होगी और काजीकुंड में ख़त्म होगी। इसके बीच में हमारी जवाहर टनल अब नहीं आएगी, इसी टनल से हम थ्रू कर जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसी टनल है, कितनी लंबी है, मुझे अभी इसके बारे में ज़ीरो आइडिया है और शायद अभी इसकी इनॉग्रेशन भी होनी है। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत बेयरली मूव कर रही हैं और जो मूव कर रही हैं वो इस पेस पे कर रही हैं कि बाइक्स वाले होंगे तो बेचारों की बुरी हालत हो जाए, इसीलिए वो लेफ्ट राइट कहीं से भी जहाँ से जगह मिल रही है वहीं से निकल जा रहे हैं। टनल से बाहर आ गए हैं, टनल बहुत अच्छी थी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इट वाज अबाउट 8.9 किलोमीटर्स लॉन्ग। और अभी टनल इनॉग्रेट नहीं हुई है, इसकी वजह से कोई टोल नहीं है तो हमें फ्री में ही पड़ी। मगर एक बहुत जो बढ़िया चीज़ हुई है, हम 37 डिग्रीज टेम्परेचर पे थे जब हमने एंटर की टनल, बहुत गर्मी लग रही थी, तंग पड़े हुए थे ट्रैफिक से, बट टनल की जैसे ही टोल रोड आई वैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हो गया। और जब टनल के अंदर गए एक बारी तब तो टेम्परेचर 16 डिग्री हो गया था और अभी भी 16 डिग्री पे ही है, मौसम ठंडा हो गया है, बढ़िया हो गया। अब यहाँ से राइट मुड़ते हैं पहलगाम को और हम सीधे जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। पुलवामा से थोड़ी आगे आ चुके हैं हम, टनल के बाद से अभी तक रोड काफ़ी अच्छी है, बट हाँ बीच में कहीं जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो लाइक छोटे मोटे बैड पैच होंगे,
वरना रोड 4 लेन है, बीच में तो 6 लेन भी थी, तो काफ़ी अच्छी रोड चल रही है अभी। वी आर जस्ट 50 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ श्रीनगर नाउ। तो अभी के लिए हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले हमारा प्लान सोनाबर्ग में स्टे करने का था, अब 3:11 हुए हैं, बट फिर भी हमने प्लान चेंज करके सोचा है कि श्रीनगर में ही स्टे करते हैं हाउस बोट्स वगैरह में, और श्रीनगर जाके थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर कर लेते हैं। श्रीनगर में एंटर कर लिया है, और अब जैसे आपको बताया सोनमर्ग नहीं जा रहे हम, क्योंकि वहाँ पे होटल्स की अवेलेबिलिटी वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने यहीं पे रहने का डिसाइड कर लिया है। 3:38 हुए हैं अभी, और हम जा रहे हैं श्रीनगर के लोकल कैफ़ेज़ वगैरह को एक्सप्लोर करने, तो उसके लिए बेटर है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। सो राइट नाउ वी आर एट डल लेक, और यहाँ से चार चिनार वगैरह वाली साइड देख रहे थे, काफ़ी सुंदर जगह है और इट्स टोटली वर्थ कमिंग एंड इट इज़ मेसमराइजिंग। हैव अ लुक एट दैट पोलो यार, इट हैड अ ग्रेट एग्जॉस्ट। ओके, तो मैं श्रीनगर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स के बाद आया हूँ, और डल लेक का जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि बहुत देर बाद देख रहा हूँ तो होता है यार थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वगैरह का। चार चिनार के बारे में आपको बता देता हूँ, चार चिनार इज़ बेसिकली एन आइलैंड इनसाइड ऑफ द डल लेक, जहाँ पे चार पेड़ हैं चिनार के, इसलिए उसको चार चिनार बोला जाता है। एंड इफ़ आई रिमेम्बर वहाँ पे कुछ जगहें खाने पीने की भी हैं, आप वहाँ शिकारे पे जा सकते हैं या मोटर बोट वगैरह पे जा सकते हैं। रात के 8:30 हो गए हैं, इस टाइम शिकारा में आ गए हुए हैं, तो हमारा स्टे है अभी एक हाउस बोट में, नेपच्यून नाम है आई गेस, वो मैं हाउस बोट में पहुंच के कंफर्म करता हूं। तो अभी तो ठीक लग रहा है, अंधेरा ज़्यादा है तो लाइट वाइट का ही थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उससे बेयर करो। अच्छा, इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करेंगे, जाके हाउस बोट में चेक इन वगैरह करेंगे और रात को वहीं पर स्टे करेंगे, उसके बाद सुबह हमने अगली लेक के लिए निकलना है, तब मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और ऐसे वीडियोज़ के लिए, और लाइक कमेंट करोगे तो यार अच्छा लगता है ऑब्वियसली। ओके, बाय बाय।